Hi everyone, welcome back to my channel. So we are finally in Goa and this is our first day and हम लोग कल रात को check in किए थे and अभी हम लोग तैयार हुए हैं breakfast करने के लिए. This is what I'm wearing and look at the property. पीछे आपको दिख रहा होगा, if you can see. मैं आपको कैमरा उस तरफ करके दिखाती हूँ. वेट, दिस इज द पूल हियर. ऑल द रूम्स आर पूल फेसिंग एंड ये वाला हमारा रूम है जो अभी थोड़ा सा मेस्ड अप है, तो मैं आपको रूम का बाद में दिखाऊंगी अंदर का. अब तक आप प्रॉपर्टी देखो. सी वेदर कितना अच्छा हो रहा है. वेदर इज सो प्रिटी. ये रहा हमारा लड़का, यहाँ पे रेडी हो रखा है, बिल्कुल हीरो माफिक पोज मार रहा है. चलिए बंद कर दिया मैं. मैं ऐसे पोज करती हूँ. तो गाइस, जिस प्रॉपर्टी में हम लोग रुके हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम है ऑरम रिजॉर्ट. ओके, एंड ये प्रॉपर्टी आपकी मॉर्जिम में. अगर आप लोग कभी गोवा आए तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू स्टे हियर, बिकॉज ये हर जगह से बहुत पास में है. यहाँ से मॉर्जिम बीच पास में है, आरम्बोल, देन बागा साइड. मैं नहीं रुकती हूँ क्योंकि बागा साइड एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ऊपर से बहुत टूरिस्ट होते हैं वहाँ पर, कैलंगूट बागा साइड. दिस इज़ द प्लेस that I really like, because मैं last time भी जब आई थी तब भी मैं इधर ही रुकी थी. And you are definitely gonna love it. Weather is really amazing. See, बहुत ही अच्छा weather हो रहा है. तो हम लोग breakfast करके कुछ pictures click करनी है, reels बनानी है, उसके बाद हम लोग चलेंगे beach पे. तो आप लोग मेरे vlog में बने रहिए. आज जो जो भी होगा मैं आपको सबका video बना के दिखाऊँगी, जितना मुझसे हो पाएगा. तो मैं आपको मिलती हूँ नीचे. हम लोग नीचे अपना ब्रेकफास्ट लगवा रहे हैं, तो मैं वहाँ पे आपको मिलती हूँ. ओके, हे गाइस. तो वी आर जस्ट हैविंग ब्रेकफास्ट. आपने देख लिया होगा ब्रेकफास्ट में काफ़ी कुछ है आइटम्स, एंड मेरे पीछे पूरी प्रॉपर्टी दिख रही है. और पीछे रहा स्विमिंग पूल, एंड इसका पानी बहुत गर्म था. कल रात को मैंने बहुत स्विमिंग करी है. स्विमिंग तो क्या ही करी है, खाली इधर से उधर गई हूँ पूल में. एनीवेज, अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं फटाफट, उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे बीच पर घूमने के लिए. मौसम भी अच्छा हो रहा है, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही थी बट अब रुक गई है. तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करके हम लोग फिर से रेडी होके बीच पे चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं. ओके, आप अपने तब तक मेरे ब्लॉग में बन के रहिए. Hey guys, so we are ready to hit the beach. और मैंने ये पहना है green. सुबह भी green पहना था, अभी भी green पहना है, but I am loving the greens. And अब हम लोग जा रहे हैं स्कूटी में. हमने स्कूटी कल ही रेंट कर ली थी शाम को जब हम पहुँचे थे, और अब हम आपको मिलेंगे डायरेक्टली बीच पे. तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में. Hey guys, हम लोग निकल गए हैं अपनी स्कूटी पे और अभी हम जा रहे हैं मॉर्जिम बीच पे. और जैसा कि आप देख सकते हो हल्की हल्की बारिश हो रही है, पर मौसम देखो, बट वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा. बस मेरा मेकअप ख़राब नहीं होना चाहिए. माय गॉड,
गाइस हम लोग अभी मॉर्जम बीच के पास है। हम लोग यहाँ पे कैफ़े है द वाइट गोवा इधर आए हुए हैं TWG, और मैं आपको कैफ़े दिखाती हूँ। ऑर्डर कर रहे हैं खाने के लिए। वैसे तो हमने ब्रेकफास्ट किया तो मैं तो खाऊंगी नहीं, मेरा पेट तो बिल्कुल फुल है। ये खाएगा और पिएगा जो भी है, और मुझे लग रहा है बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, और मैं आपको दिखाती हूँ। रुको बाहर चलते हैं। अंदर बहुत अंधेरा अंधेरा सो रहा था वैसे भी। कुछ दिख रहा है आपको? टाइड भी बहुत हैवी है इस टाइम पर, तो पता नहीं शूट कैसे होगा, मुझे नहीं पता, पर करेंगे, ज़रूर करेंगे। मुझे गोवा आना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। एंड दीप को पहाड़ पसंद है, पर मुझे बीचेस बहुत पसंद है। हालांकि मुझे पानी से डर लगता है, पर स्टिल आई लव टू विज़िट गोवा। लाइक लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे, इस साल भी आए हैं। सो ब्यूटीफुल। इतनी फट्टू है, इसी फट रही है पूरी, आगे नहीं जा रही, किनारे पे खड़ी है बिल्कुल। बस आराम से। तो हम लोग सुबह गए थे मॉर्जम बीच, और वहाँ से हमने शूट करा, पिक्चर्स क्लिक करी, रील्स बनाई। उसके बाद हम अभी दोबारा होटल आए थे, और होटल आने के बाद हमने फिर चेंज किया, एंड आई एम वेयरिंग दिस। और अब हम लोग जा रहे हैं आरंबोल बीच। आरंबोल इसका फेवरेट बीच है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। नहीं गए तो गालियाँ खाएंगे। देखो कितने गुस्से में खड़ा हुआ है, काहे गुस्सा हो, जा रहे हैं, बैठ जाती हूँ वरना। कोई नहीं दिखाती होगी, पूरे बोलो मार्केट दिखा दो थोड़ी सी। Hey guys, so we have finally reached Arambol beach, and अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। इस रेस्टोरेंट में हमेशा आते हैं, दिस इज पायरेट्स ऑफ कैरिबियन इसके नाम से है, और दिस इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट। एंड आज तो मैंने स्कूटी चलाई तो कैसा लगा? अभी तक फेस पर ड्रामा दिख रहा हूँ। प्लीज़ इग्नोर हिम, जो भी इसने बोला अभी। स्कूटी मैं अच्छी चलाती हूँ। आइसक्रीम मैं जरूर खाऊंगी, हाँ आइसक्रीम मेरे लिए मंगा लीजिए प्लीज़। और गाइस अब वेदर बहुत अच्छा हो गया है, मैं कितनी काली काली लग रही हूँ, पता नहीं गोवा के कुछ तो हो जाता है त्वचा को मेरी, आई डोंट नो। बट ये जो हाथ लगा कैमरे में, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अभी मुझे पता नहीं लग रहा कि किधर कैमरा और किस तरह मुझे पकड़ना है। एंड 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 मैं आपको दिखाती हूँ बीच। सो दिस इज अ व्यू।
गाइस वी हैव जस्ट ऑर्डर चिली पनीर और आ गया है और वेदर फिर से बारिश बारिश वाला हो रहा है, बट आई एम लिटिल डाइसी कि पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी। इससे पहले हम इस आउटफिट को निपटा देंगे, इसमें पिक्चर्स और रील्स में ज़रूर ले लूँगी तब तक तो। और हमें एक अच्छे दोस्त से मिलेंगे, और आज हम अपने फ्रेंड से भी मिलने वाले हैं, तब पता नहीं मैं व्लॉग बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, आई डोंट नो, बिकॉज ही डजंट लाइक इट, उसको पसंद नहीं है। और तब तक हम खाना खाते हैं। ग्रेवी वाला अच्छा है, ग्रेवी अच्छा है। ऑनेस्टली बताओ मुझे पनीर इतना पसंद नहीं है, मैं खाऊंगी आइसक्रीम इसके बाद। खाने के रसोई में वहाँ पे मुझे आइसक्रीम वाला भी दिख रहा है, तो हम उसपे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ हम उस तरफ जा रहे हैं पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, वहाँ अभी देखेंगे क्योंकि टाइड बहुत ज्यादा तेज हो गई है, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, बट देखते हैं वहाँ जाते हैं। आइसक्रीम दे दो, इसकी ये है और मेरी तो अलग है, मेरी तो अलग है। कट्टू तो देखो काली हो गया पीछे बाल, तो टैनिंग। गाइस बताओ टैनिंग दिख रही है आपको? गोवा की टैनिंग में तो क्या फायदा, गोवा में दिल्ली में बैठो तो ड्रेस की बात है। हाँ भाई कहाँ घूम रहा है कोई? जिंदगी तो इसकी है, इसके कुत्ते की, यहीं रहता है, यहीं खाता है, यहीं मोता है, यहीं रहता है। भाग 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 भाग। ये इसके साथ खेल रही है, इसको लोग लोग से मतलब नहीं है, मस्त खेल रही है उसके साथ बस।
गाइस हम लोग वहाँ से फोटो खिंचवा के आए हैं अभी स्वीट वाटर लेक, इसलिए नहीं गए क्योंकि टाइड्स बहुत ज़्यादा थी और मैं बिकनी तो पहन नहीं पाती, तो इसीलिए अब हम जा रहे हैं आगे देखते देखो अपने। चलो थोड़ा सा एक बीच में वो आया था क्या कहते हैं उसे और वो बिल्कुल मट्टी थी, उससे भी डर गई। ऐसे बकवास कर रहा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके मुझे बदनाम कर। फाइनली हम लोग अपने रूम में आ गए हैं, इधर उधर धक्के खा के घूम घूम के और इतना ज़्यादा थक गए। अब इतनी तेज़ बारिश हुई थी, बहुत ही तेज़, बाल देखो मेरे कैसे हो गए हैं। बट वी रियली इन्जॉयड डे टू डे एंड आई विल स्लीप नाउ। मैं थक गई हूँ, ग्रीन टी पी के मैं सोने जा रही हूँ और मैं आपको मिलती हूँ कल अपने न्यू व्लॉग में, सेकेंड डे के व्लॉग में। तब तक गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि आप में से कौन गोवा गए हो, आप लोग गोवा में कहाँ कहाँ घूमे हो और मुझे कोई प्लेस सजेस्ट करनी तो वो भी ज़रूर करना। टिल देन मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।